कांग्रेस की ओर से वर्धामना से वाड़ी तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ ध्वजारोहण व राष्ट्रगान के साथ वर्धामना से किया गया। इस अवसर पर प्रमुख नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री व परिवहन मंत्री से निवेदन किया कि आजादी के 75 साल बाद भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आरटीओ के भ्रष्टाचार का गुलाम है। आरटीओ द्वारा अवैध वसूली पर शिकंजा कसकर अब ट्रांसपोर्टरों को आजादी दिलाने की सरकार से मांग की गई। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। देश में आरटीओ विभाग द्वारा की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ केंद्र सरकार अंकुश लगाए, ऐसी मांग भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा ने की है। युवा सेना पूर्व विदर्भ सचिव हर्षल काकड़े ने ट्रांसपोर्ट सरकार को कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे देश में आरटीओ बैरियर्स को खत्म करने की मांग की है। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के साथ वरिष्ठ ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हर्षल काकड़े, टीएच खान, अखिलेश सिंह, विजय मिश्रा, मानसिंह ठाकुर, नरेंद्र मिश्रा, राकेश अग्रवाल, अखिलेश सिंह, नवीन शर्मा, मनोज सिंह, मोहन पाठक, सुनील पांडे व अन्य ट्रांसपोर्ट व्यवसायी प्रमुखता से उपस्थित थे। जय हिंद। मैं हर्षल काकड़े, एक वाड़ी का सर्वसाधारण निवासी और ट्रांसपोर्टर हूँ। आज हम सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों ने वर्धामना वाड़ी, यहाँ पे जो देश का सेंट्रल है और यहाँ पे नागपुर का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है, वहाँ से हमने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के उपलक्ष्य में 15 अगस्त के दिन वर्धामना से तो नाके तक हमने भव्य रैली का शांतपूर्वक आयोजन किया है। और उसी रैली के उपलक्ष्य में आज सभी भाई यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप सबने यहाँ पे उपस्थिति दर्शा के हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों की शोभा बढ़ाई। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल।